हेलो ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल लिटरेचर वर्ल्ड। आज की इस वीडियो के अंदर हम आपका जो पहला चैप्टर पढ़ चुके हैं जिसका नेम है द लॉस्ट चाइल्ड, द लॉस्ट चाइल्ड के जो क्वेश्चन आंसर्स हैं हम उनको सॉल्व करेंगे वन बाय वन। अगर आपने इस चैप्टर की समरी या फिर स्टोरी को रीड नहीं किया और आप इसकी स्टोरी को रीड करना चाहते हैं तो चैनल की जो प्लेलिस्ट है उसके अंदर जो क्लास 8th इंग्लिश की प्लेलिस्ट नाम से फोल्डर है उसमें जाकर आप इस चैप्टर की सारी वीडियोस देख सकते हैं। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम इसके 5 क्वेश्चंस आपकी बुक के अंदर दिए हुए हैं उसको वन बाय वन देखते हैं। तो शुरू करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, व्हाट आर द थिंग्स द चाइल्ड सीज ऑन हिज वे टू द फेयर, वाई डज ही लैग बिहाइंड। क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि कौन कौन सी चीज़ें जो बच्चा था वो मेले में आते वक्त रास्ते में देखता है और वो किस कारण पीछे छूट जाता है। तो हमने स्टोरी को पढ़ा था भाई, पहले हिंदी के अंदर मैं आपको बता देता हूँ कि देखो, जब वो मेले में आ रहा था तो वो टॉयज़ देखता है, फिर वो सरसों के खेत देखता है, ड्रैगन फ्लाइज देखता है, बटरफ्लाइज देखता है, शॉप्स देखता है मिठाई की, है ना, स्नेक चार्मर वगैरह देखता है। तो इन सभी की इन सभी को देखता है और इन सभी को देखकर वो क्या है, आकर्षित हो जाता है, उसका ध्यान वहीं पर रुक जाता है, वो भूल जाता है कि उसके पेरेंट्स उसके साथ में और वो मेले में जा रहा है, तो इस कारण वो पीछे छूट जाता है। तो इसका आंसर आप स्क्रीन पर देख रहे हो, इसको मैं अभी रीड कर रहा हूँ। द चाइल्ड सीज टॉयज, फ्लावरिंग मस्टर्ड फील्ड, ड्रैगन फ्लाइज, बटरफ्लाइज, डब्स, ह्यूज क्राउड ऑफ पीपल एंटरिंग द फेयर, स्वीट शॉप्स, गारलैंड्स ऑफ गुलमोर, रेनबो कलर बलून्स, स्नेक चार्मर एंड ए राउंड अबाउट स्विंग्स। यानी कि टॉयज देखता है वो, सरसों के खेत देखता है, ड्रैगन फ्लाइज, बटरफ्लाइज, ये सारी चीज़ें वो रस्ते में देखता है। और फिर पूछा था कि वो पीछे छूट क्यों जाता है। ही लैग्स बिहाइंड बिकॉज ही इज फैसिनेटेड बाय द थिंग्स। फैसिनेट होता है आकर्षित होना, ठीक है, अट्रैक्ट हो जाना, तो वो चीज़ों की तरफ अट्रैक्ट हो जाता है इसलिए वो पीछे छूट जाता है। डैट ही, कौन कौन सी चीज़ें, डैट ही सीज ऑन हिज वे टू फेयर, जो रस्ते में देखता है। हिज पेरेंट्स कॉन्स्टेंटली कॉल हिम सो डैट ही डज नॉट गेट लॉस्ट इन द क्राउड। उसके पेरेंट्स उसको बार बार आवाज़ लगाते हैं लगातार ताकि वो कहीं मेले में खो ना जाए। ही वुड स्टॉप एट द शॉप्स विद ए विश टू बाय देम। वो दुकानों पर रुकता है क्योंकि उसकी इच्छा है उनको उन चीज़ों को खरीदने की। एंड समटाइम्स वुड बी अमेज्ड एट द ब्यूटी ऑफ नेचर, और कभी कभी वो नेचर की ब्यूटी को देख कर भी आश्चर्यचकित रह जाता है। डैट्स वाई ही लैग्स बिहाइंड। तो ये था आपका फर्स्ट क्वेश्चन और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट भी है भाई, ठीक है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। सेकंड क्वेश्चन, इन द फेयर ही वांट्स मैनी थिंग्स, कि मेले के अंदर वह कौन, जो छोटा बच्चा, वो बहुत सी चीज़ें चाहता है। वट आर दे, वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जो वो खरीदना चाहता है। वाई डज ही मूव ऑन विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर, और वो जब वो क्वेश्चन करता है कि मुझे ये चीज़ें चाहिए तो क्वेश्चन का रिप्लाई सुने बगैर वो आगे क्यों बढ़ता है, ऐसा क्या कारण था कि वो विदाउट वेटिंग एनी आंसर ही मूव्स अहेड। तो देखिए इसका आंसर, द थिंग्स दैट ही वॉन्ट्स इन द फेयर आर, वो चीज़ें कौन कौन सी हैं, पहले वो बलून्स है ना, बलून्स देखता है, बलून्स, टॉयज़, गारलैंड्स ऑफ गुलमोर, स्वीट्स फ्रॉम द स्वीट शॉप, वॉचिंग द स्नेक डांसिंग एट द ट्यून ऑफ स्नेक चार्मर, हैविंग ए राइड इन द राउंड वाउटिंग स्विंग्स। ये सारी चीज़ें वो चाहता है भाई, ये सारी की सारी चीज़ें वो खरीदना चाहता है। और इसी के साथ वो आगे क्यों बढ़ जाता है, बिकॉज, अब यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है बट आप सुन लीजिए, बिकॉज ही नोज़, वह जानता है, ही नोज़ हिज पेरेंट्स,
would not agree to buy these all things for him. They will say that these all things are not good for him. वो जानता है कि उसके माता पिता उसकी विश को पूरा नहीं करेंगे, ये चीज़ें उसके लिए नहीं खरीदेंगे, इसलिए वो आगे बढ़ता है. क्वेश्चन नंबर थर्ड, When does he realize that he has lost his way? अब उसको कब ये महसूस होता है कि वो खो चुका है, किसको, उस बच्चे को. How have his anxiety, dad, insecurity been described? तो उसकी वो पूरी की पूरी जो घटना उसके ऊपर जो बीत रही थी वो किस प्रकार यहाँ पे दिखाई गई है. इसमें जो सेकंड जो क्वेश्चन है वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट जो फर्स्ट पार्ट है ना इस क्वेश्चन का, When does he realize that he has lost his way? ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि वो उसको कब महसूस होता है कि वो खो चुका है. When he saw the, हमें पता है कि भाई वो लास्ट में जब राउंड अबाउट के पास आया था तब जाकर उस जब उसने आवाज़ लगाई कि मुझे ये राउंड अबाउट चाहिए, तब उसको रियलाइज़ होता है कि वो खो चुका है. तो हम इसका आंसर देखते हैं. When he saw the roundabout in a full swing, he made a bold request to his parents for having a ride on it. But there was no reply. When he turned to look at his parents, there was no one. That is when he realized that he has lost his way. तो यही टाइम था भाई, this was the time when he realized that he has lost his way. ठीक है, चलो इसके साथ में जो दास में दिया वो पढ़ लेते हैं भाई. हिज एंगजाइटी एंड इनसिक्योरिटी हैव बीन डिस्क्राइब्ड इन ए वेरी सैडनिंग एंड हार्ट वार्मिंग वे. काफ़ी ज़्यादा ना ऐसे पूरा डर वाले माहौल के साथ उसको दिखाया गया है. व्हेन ही रियलाइज्ड दैट ही हैज़ लॉस्ट हिज वे, ए डीप क्राई राइज विद इन हिज ड्राई थ्रॉट. जब उसको महसूस होता है कि वो खो चुका है तो वो जोर से रोता है. एंड विद ए सडन जर्क ऑफ हिज बॉडी ही रन फ्रॉम वेयर ही स्टूड. तो एक झटके के साथ वो जहाँ पर वो खड़ा हुआ था वहाँ से दौड़ना शुरू कर देता है. हिज फेस इज कन्वल्ड विद फियर एंड आईज आर फुल ऑफ हॉट एंड फाइट्स टीयर्स. तो उसके चेहरे पर डर साफ साफ नजर आता है, उसकी आँखों में भी वो डर, खो जाने का डर, एक घबराहट सी दिखाई देती है. He runs in search of his parents in all directions, crying, "Mother, father!" वो अपने माता पिता को ढूंढता हुआ चारों तरफ भागता है ये कहते हुए, मम्मी पापा. अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर फोर. Why does the lost child lose interest in things that he had wanted earlier? कि जिन चीज़ों में उस बच्चे का इंटरेस्ट था, वो जिन चीज़ों को खरीदना चाहता था पहले, बाद में जाकर उन्हीं चीज़ों में उसका इंटरेस्ट क्यों नहीं रहा. तो हमने स्टोरी को पढ़ा था भाई, क्योंकि पहले उसको ये था कि माता पिता साथ में है, बट जब उसको ये रियलाइज़ होता है कि माता पिता पास में नहीं है, वो खो चुका है, तो तब जाकर वो उन चीज़ों में सारे का सारा इंटरेस्ट लॉस कर देता है. क्योंकि चिल्ड्रन के लिए इसके पेरेंट्स ही सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स, यहाँ पर आप कह लीजिए उसकी ज़िंदगी में जो महत्व रखते हैं वो माता पिता होते हैं खिलौनों से ज़्यादा. तो इसका आंसर देखिए भाई, द लॉस्ट चाइल्ड लॉस इंटरेस्ट इन थिंग्स डैट ही हैड वॉन्टेड अर्लियर बिकॉज द ओनली थिंग्स डैट ही वॉन्ट्स एट दैट मोमेंट इन हिज पेरेंट्स. He is panic stricken and he just wants to be united with them again. क्योंकि वो अपने माता पिता को पाना चाहता था, इसलिए वो सारी चीज़ों में इंटरेस्ट खो देता है. अब चलते हैं लास्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर फाइव. What do you think happens in the end? देखिए आपको क्या लगता है कि कहानी के एंड में क्या हुआ होगा. Does the child find his parents? क्या उसे छोटे बच्चे को अपने माता पिता मिले होंगे? देखिए ऐसा कहानी में कहीं पर दिखाया तो नहीं गया, बट अभी हम इसका आंसर देखते हैं क्या कह रहा है. आई थिंक द चाइल्ड वुड हैव फाउंड हिज पेरेंट्स इन द एंड.
तो राइटर यहाँ पे ये कह रहा है भी मुझे लगता है कि इसको उसके माता पिता मिल गए होंगे, क्योंकि ये तो कॉमन सेंस है भाई। अब मेले में कोई बंदा खो जाता है तो लगभग 100 में से आप कह सकते हो कि 99% तो वो बच्चे मिल ही जाते हैं ना, कोई 1 आधा% का भी चांस ऐसा होता है बाई चांस। वाइल ही वॉज लॉस्ट हिज पेरेंट्स वुड ऑल्सो हैव सर्च्ड फॉर हिम वैन दे वुड हैव रियलाइज दैट ही इज़ नॉट विद दैम, क्योंकि जिस प्रकार बच्चे को ये रियलाइज़ हो गया कि मैं खो चुका हूँ, तो उधर माता पिता को भी ये पता लग गया होगा कि हमारा बच्चा हमारे साथ में नहीं है, तो हो सकता है कि वो भी उसको सर्च कर रहे होंगे। द जेंटलमैन हु वॉज ट्राइंग टू कंसोल द चाइल्ड वुड हैव ऑल्सो आस्कड फॉर द डिस्क्रिप्शन ऑफ हिज पेरेंट्स एंड वुड हैव लुकड अराउंड फॉर देम, और जिस बंदे को वो बच्चा मिला है वो भी तो ट्राई कर रहा है ना कि भी तेरे पेरेंट्स क्या नेम क्या है, तू कहाँ से आया है ना, तो कुछ ना कुछ तो उसको इन्फॉर्मेशन मिल ही जाएगी। फाइनली द चाइल्ड वुड हैव बीन यूनाइटेड विद हिज पेरेंट्स विद एवरीवन्स कलेक्टिव एफर्ट्स, तो कुल मिलाकर सभी का प्रयास इधर इस इनका खुद का बच्चे का हो गया, और जो मैन है जो मिला है वो, और उसके पेरेंट्स, इन सभी का जो एक जो ट्राई किया होगा कलेक्टिव एफर्ट्स से उन्होंने किए होंगे मिलकर, इन्हीं के कारण शायद बच्चा अपने माँ बाप को मिल गया होगा। तो दोस्तों ये थे भी आपके चैप्टर फर्स्ट द लॉस्ट चाइल्ड के 5 क्वेश्चंस, मैंने उनको यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम आपका चैप्टर सेकंड जो है द एडवेंचर्स ऑफ टोटो उसको स्टार्ट करेंगे, तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।